गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपन बात करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स के इस वीडियो की। इसमें अपन बात करने वाले हैं कॉनकेव लेंस से जो इमेज फॉर्म होती है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए या अलग अलग पोजीशंस के लिए, उनके बारे में। देखो, पिछले लेक्चर में अपन ने बात की थी कि कॉनकेव मिरर जो है उससे जो इमेज फॉर्म होती है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे अलग अलग होती है। जैसे अगर अपन बात करें कि ऑब्जेक्ट की अलग अलग 6 पोजीशंस के लिए अपन ने इमेज के बारे में बात की थी और उनका ओरिएंटेशन भी देखा था कि इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, उन सारी चीज़ों के बारे में भी डिस्कशन किया था। तो इस वीडियो में अपन एक एक चीज़ को रे डायग्राम की फॉर्म में देखेंगे। जैसे फर्स्ट जो था उसमें अपन ने बोला था कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, इन्फिनिटी पर हो, तो उस केस में मैंने बोला कि इमेज फॉर्म कहाँ होती है, फोकस पर। जैसे यहाँ पर फॉर्म हो रही है, कैसी होती है, रियल, क्योंकि वर्चुअल ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं उनका रियल इंटरसेक्शन हो रहा है। इन्वर्टेड बनती है क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट इरेक्ट होता है तो उसकी इन्वर्टेड बनती है। वेरी स्मॉल इन साइज, पॉइंट साइज़ की होती है और मैग्नीफिकेशन बहुत कम होता है उसका, लेस देन -1 है। मैग्नीफिकेशन के बारे में अपन थोड़ा सा आगे जाके और बात करेंगे। नेक्स्ट अपन डिस्कस करें कि अपने को क्या क्या मिल रहा है। तो दूसरा ऑब्जेक्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब इनफाइनाइट से और सी के बीच में कहीं प्रेजेंट है ऑब्जेक्ट, जब ये यहाँ पर प्रेजेंट है उस केस में इमेज जो बनेगी वो एफ और सी के बीच में बनेगी, मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और छोटी बनेगी। जैसे ऑब्जेक्ट की जो साइज़ है उससे छोटी साइज़ की बनेगी, उससे बड़ी नहीं बनेगी। तो मैग्नीफिकेशन -1 से छोटा होगा। माइनस क्यों आ रहा है, रियल इमेज के लिए माइनस आता है, 1 से छोटा है मतलब स्मॉल इन साइज़ के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करें कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस होगा, तो इमेज भी कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और सेम साइज़ की होगी, मतलब जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ होगा उतनी ही इमेज की भी साइज़ होगी, साइज़ में कोई चेंज नहीं आएगा। तो एम कितना होगा, -1 के इक्वल हो जाएगा। एम किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट अपन डिस्कस करें कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड बिटवीन COC एंड फोकस, जब ऑब्जेक्ट COC और फोकस के बीच में स्थित है, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज बनेगी वो बियॉन्ड COC बनेगी, मतलब COC से दूर की तरफ बनेगी। उससे अलावा मतलब 2F और इनफाइनाइट बोल सकते हैं, क्योंकि फोकस डिस्टेंस या फोकल लेंथ जो होती है उससे डबल होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उससे थोड़ा आगे बनेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक कि 2F है उससे थोड़ा सा आगे ये बन जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और लार्ज बनेगी साइज़ में, मतलब साइज़ में लार्ज होगी, मतलब साइज़ बड़ा होगा छोटा नहीं होगा, मतलब मैग्नीफिकेशन -1 से बड़ा होगा, मैग्नीफिकेशन कम नहीं होगा। नेक्स्ट अपन बात करें, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट फोकस, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, फोकस पर हो, तो अगर वो फोकस पर होगा तो उससे जो रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड रेज जो जाएंगी वो पैरेलल जाएंगी। वो रेज कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। अगर ये रेज पैरेलल हैं तो वो कहाँ जाके मिलेंगी, इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी, मतलब इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इन्फिनिटी पे। कैसी होगी, रियल, इन्वर्टेड और वेरी लार्ज इन साइज़, मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज साइज़ की होगी, छोटी नहीं होगी, बहुत बड़ी होगी। और मैग्नीफिकेशन क्या होगा, -1 से बहुत ज़्यादा ज़्यादा बड़ा होगा। इसमें माइनस साइन किसको बता रहा है, इसमें माइनस साइन बता रहा है कि जो है रियल इमेज है। और 1 से बड़ा होने का मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है या जो इमेज फॉर्म हो रही है वो बहुत ज़्यादा लार्ज साइज़ की है। लास्ट पोजीशन आती है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, कहाँ कहाँ, फोकस और पोल के बीच में। तो फोकस और पोल के बीच में अगर वो होगा तो यहाँ पर जो इमेज फॉर्म ऑब्जेक्ट होगा उससे जो रेज जाएंगी वो डाइवर्जिंग हो जाएंगी। ये जो रेज है वो डाइवर्जिंग है, जब ये डाइवर्जिंग है तो आगे जाके कहीं नहीं मिल सकती है, तो इनको पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। इनको पीछे की तरफ बढ़ा के क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको एक इमेज फॉर्म करवानी पड़ेगी, मतलब इमेज जो फॉर्म होगी वो कहाँ होगी, बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के पीछे की तरफ होगी। कैसी बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट होगी और लार्ज साइज़ की होगी, मतलब स्मॉल साइज़ की नहीं होगी। कैसी होगी, लार्ज साइज़ की होगी और मैग्नीफिकेशन +1 से बड़ा होगा। प्लस का मतलब वर्चुअल इमेज, 1 से बड़ा का मतलब लार्ज साइज़,
क्या ये चीज़ क्लियर है? ये हो गया कॉनकेव मिरर की बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज। हमेशा इस चीज़ को याद रखें कि कॉनकेव मिरर जो है या कॉन्वेक्स मिरर जो है वो कैसी इमेज बनाता है, वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट बनाता है और स्मॉलर साइज की बनाता है। When the object is placed at infinity, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होता है, इन्फिनिटी पर होता है, तो इन्फिनिटी पर होता है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पर। कैसी होती है, वर्चुअल। साइज़ कैसा या ओरिएंटेशन कैसा होता है, इरेक्ट। और साइज़ कैसी होती है, बहुत छोटी होती है, मतलब इसका मैग्नीफिकेशन प्लस है क्योंकि वर्चुअल में है, और लेस देन वन है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर बहुत छोटी या स्मॉल साइज़ का इमेज बन रहा है। नेक्स्ट आता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पर वो कहीं पर भी है अदर देन इन्फिनिटी, तो अपने को दिख रहा है, तो इससे जो रेज निकलेंगी वो डाइवर्जिंग हो जाएंगी, तो इनकी इमेज जो बनेगी बिटवीन पी एंड एफ बनेगी, मतलब फोकस और पोल के बीच में बनेगी, ये उससे बाहर नहीं जा सकती, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और स्मॉलर साइज़ की होगी, मतलब साइज़ जो होगा वो छोटा होगा, साइज छोटा होगा, कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, मतलब मैग्नीफिकेशन लेस देन वन होगा, वो कभी भी वन से बड़ा नहीं हो सकता है। क्या ये चीज़ क्लियर है सबको? इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत तुम लोगों को नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं कि मैग्नीफिकेशन कैसे बताया जाता है। लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ अ स्पेरिकल मिरर, लीनियर मैग्नीफिकेशन कैसे डिफाइन किया जाता है, वो डिफाइन किया जाता है लीनियर मैग्नीफिकेशन और सिंपली मैग्नीफिकेशन ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब मैग्नीफिकेशन कैसे दिया जाता है, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसे डिफाइन किया जाता है, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एम इज रिप्रेजेंटेड बाई ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, मतलब इमेज की साइज अपॉन ऑब्जेक्ट की साइज, इमेज की साइज अपॉन ऑब्जेक्ट की साइज, इस तरीके से अपन डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें वी अज्यूम ओ इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि अपन ऑब्जेक्ट को हमेशा इरेक्ट लेते हैं, तो मैग्नीफिकेशन विल बी पॉजिटिव व्हेन आई इज पॉजिटिव, आई मतलब इमेज की साइज अगर पॉजिटिव होगी, दैट मीन्स इमेज इज इरेक्ट, जब इमेज इरेक्ट होगी तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा। और एम विल बी नेगेटिव व्हेन आई इज़ नेगेटिव, जब आई नेगेटिव होगा तो इमेज भी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो अपन क्या कह सकते हैं कि रियल इमेज के लिए जो मैग्नीफिकेशन होता है वो नेगेटिव होता है, और वर्चुअल इमेज के लिए जो मैग्नीफिकेशन होता है वो पॉजिटिव होता है। फॉर बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर वी कैन नो दैट ए डैश बी डैश विल बी इक्वल्स टू पी बी डैश अपॉन पी बी, मतलब ये डिस्टेंसेज हैं, इसके बेसिस पे अपन क्या दिखा सकते हैं, इन दिस केस, इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड एज रियल एज शोन इन फिगर, न्यू कार्टेशियन सिस्टम यूज़ करेंगे तो ए डैश बी डैश जो होगा वो आई है माइनस का, ए बी जो है वो प्लस का ओ है, ए बी जो है वो प्लस का ओ है, पी बी डैश जो है वो माइनस का वी है, और पी बी जो है वो माइनस का यू है। तो यहाँ माइनस का आई अपॉन यू, माइनस का वी अपॉन माइनस का यू, तो वी अपॉन यू हो जाएगा, मतलब मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला निकलता है वो माइनस का आई अपॉन ओ इज इक्वल्स टू वी अपॉन यू होता है। क्या होता है, माइनस का वी अपॉन यू, ये माइनस का आई अपॉन ओ। तो यहाँ पर अगर अपन आई अपॉन ओ के बारे में बात करें, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस वी अपॉन यू आ जाता है। ये क्या आ जाता है, माइनस वी अपॉन यू। That the positive or negative sign of m determines the sign of i or o, i slash o, मतलब i slash o जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसके बेसिस पे अपन इसके बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, ये सेम टू सेम कंडीशन किसके बारे में आती है, ये सेम कंडीशन आती है when the image is formed is virtual, virtual है तो a dash b dash भी पॉजिटिव है, a b भी पॉजिटिव है, और p b dash जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, और यू जो है वो क्या है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी आई अपॉन ओ इज इक्वल्स टू वी अपॉन माइनस यू आएगा, मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, वही चीज़ आएगी। अगर कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करेंगे तो भी अपने को वही फॉर्मूला मिलेगा, वही चीज़ मिलेगी, उसके अलावा और दूसरी चीज़ नहीं मिलेगी। तो अपन क्या कह सकते हैं, कुछ नोट डाल के अपन लिख सकते हैं कि अगर एम से एम ग्रेटर देन वन से बड़ा है, मतलब अपन साइन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अपन
केवल वैल्यू के बारे में बात करें तो इमेज जो फॉर्म हुई है वो एनलास्ट हुई है, और अगर m लेस देन वन है तो जो इमेज फॉर्म हुई है वो डिमिनिश्ड हुई है। अगर m पॉजिटिव है इसका मतलब इरेक्ट है, इरेक्ट का मतलब वर्चुअल इमेज है। वन m इज़ नेगेटिव, अगर m नेगेटिव है तो इमेज कैसी है, इमेज है इन्वर्टेड। नेगेटिव है इसका मतलब इन्वर्टेड है, मतलब रियल है। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर मैग्नीफिकेशन मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब रियल और इन्वर्टेड दोनों टाइप की इमेज बनाता है, जबकि एक जो कॉन्वेक्स मिरर है वो हमेशा कौन से टाइप की इमेज बनाता है, वो हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है। ठीक है, थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्शन वाला पार्ट अपन पूरा कर चुके हैं। ठीक है, वैसे मैं रिफ्रैक्शन तुम लोगों को क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो उसके बेसिस पे अपन काम कर सकते हैं।